नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अच्छा तो नहीं लग रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, फिर से वो संकट आ गया है जो संकट हम सब सोच रहे थे कि चला गया है। कहीं ना कहीं हम सब की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक लंबे समय तक हमने इसकी श्रृंखला को तोड़ने का मौका गवाया है। एक बार फिर से मुसीबत सर पे है और हम सब घर पे हैं। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। सब्जी खाने का समय अभी नहीं है, नमक रोटी खा के गुजारा कर लें, पर घरों में रहें तो बेहतर है। अरे ये दुकान क्यों खुली भाई? यहाँ कहाँ की भीड़ भाड़ है भाई, क्या दिक्कत? चलो जाओ जाओ। कौन है ये, क्या कर रहे हैं ये लोग? आओ यार चच्चू, उतरो बता। क्यों, कहाँ जा रहे हो? रुको, काहे के लिए निकले हो? काहे के लिए निकले हो? भैया के पास आए थे। हैं? कौन भैया के पास? ये सामान है जो यही ले जाना है घर। कहाँ ले जाना है? घर। कौन सा सामान? ये। क्यों इधर आओ भाई, क्या बेच रहे हो क्या? नहीं। पहले लाइट फिटिंग करवाए थे तो उसको अच्छे से बांधो। अभी उठक बैठक चालू करो तुम, फालतू में उल्लू बना रहे हो पुलिस को। अभी अभी तुमने मुंह पे रख, नहीं ये लड़का ठीक है, ये ठीक है, इसको नहीं करना। तुम चालू करो, पहले 10 उठक बैठक मारो फिर बताते हैं। इसलिए कि तुमने अच्छे तरीके से इसको बांध नहीं रखा, नाक खुल रही बार बार, हाथ लगा रहे हो तुम। चलो बस, हाँ बताओ क्या समस्या है? ये सीढ़ी ले जाना है घर। ये सीढ़ी काहे के लिए? सुबह 6 जो 12 तक का टाइम था उसमें क्यों नहीं किया? सर घर में काम करने गए थे ना। क्या काम था? तो वही काम करने गए थे खाली। हाँ चलो अब 10 इस बात पे मारो तुम, अब लापरवाही बंद कर दोगे। बैठो वहाँ 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 रोड पे नहीं। चलो चालू करो। तुम बेटा तुम क्यों घूम रहे हो? बहुत छोटे हो तुम यार, अभी से ऐसे लोगों के साथ करोगे तुम? तुमसे भी यही काम चालू करा दूं? तुमसे भी चालू करा, तुम्हारी गलती नहीं है ज़्यादा, और मास्क अच्छे से लगाया तुमने इसलिए छोड़ रहे हैं। तुम सीधे निकलो और यह सीढ़ी वीढ़ी बंद। जो टाइम निर्धारित है उस टाइम के अलावा कोई काम नहीं होगा, ठीक है? हाँ लाइव चालू हो चुका है, अब सबकी गलती दिखेगी, किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पुलिस झूठ बोल रही। पानी पिलाओ यार, खांसी आ रही। पूर्ण लॉकडाउन उसी तरह पालन करना जैसे आप लोग हमेशा करते आए हैं। नमस्कार दोस्त, चलो हमारे सफाई कर्मी भाई आ रहे हैं। कैसे हो दोस्तों, बढ़िया? ये सब मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं। हो गई शिफ्ट पूरी? गुड सर, घर में रहें, इस टाइम पे नहीं घूमना है बिल्कुल। मेडिकल रीजन के लिए कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, कहाँ गए थे? गए कहाँ थे? इसको धीमा करिए थोड़ा। हेलो, आ रहे हैं सर, बहू को पहुंचाने गए थे, अब जा रहे हैं घर। सुबह 6 से 12 मालूम है हमको सर। मालूम है, फिर भी सर अभी बाहर से आ रहे हैं। बाहर से बोले तो बहू को पहुंचाने गए थे यहाँ पर हमारे पास। आराम से कूल हो जाइए। हाँ मतलब बहू को पहुंचा के चुपचाप आ रहे हैं गाड़ी से, अब घर जा रहे हैं। बाहर कहाँ से? हमारा छोड़ने गए तो अभी आइसोलेट रहना घर में। मालूम नहीं है, रहना ही है जी सर, है ना? चलिए जाइए, और ये लाइव चालू हो चुका है, अब पूरा शहर देखेगा जो जो लापरवाही करेगा। तो क्यों भाई मोबाइल? मोबाइल आराम से खड़े होकर बात करिए। MP 53 नंबर नोट हो गया, मिलो। चलो पूरी तरह से आप सब लॉकडाउन का एक बार फिर से जबरदस्त पालन कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, कोरोना की चैन को तोड़ना है,
किसी भी तरह की अफवाहों में ध्यान ना दें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, व्हाट्सएप पे आने वाले अफवाह फैलाने वाले मैसेज बाहर क्यों खड़े भैया आप लोग, अंदर चलिए, जो गलती करेगा पूरे शहर को जवाब देना पड़ेगा, पूरा शहर आपसे पूछेगा कि आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं, अंदर जाइए भैया प्लीज। ये होती सोशल मीडिया की ताकत, क्यों भाई क्या है? लोग सोचते हैं कि अरे हो गया पुलिस आ जाएगी तो एक्सक्यूज दे देंगे चल जाएगा, किसको किसको दोगे? आपके पड़ोसी फोन लगाएंगे कि आप नियम तोड़ रहे थे, क्यों क्यों ऐसा किया आपने? चल गया व्हाट्सएप, हो गई चैट, घुसो अंदर, उसको बंद भी कर लो।